Hello and welcome to Technically Explained. In the Prepare Get General in 21 Days series, so far we have studied 11 lectures. And in those 11 lectures, we have covered full quantitative section. So in the first 11 days, we have covered the quantitative section. Now we are going to start with the verbal section, and we are going to cover this verbal section in the coming 6 days, inshallah, which will consist of 6 lectures. So the topics of the verbal section are prepositions, analogies, synonyms, antonyms, sentence completion, and comprehension. So in this video, which is lecture number 12, we are going to study prepositions. So let us start. Number 1. My friend and I always go to school dash the bus. By, on, in, at. ठीक है जी. In the bus हमने कभी नहीं देखा, ना ही at the bus देखा है. अब इन दो में confusion है. ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आपके पास दा आ जाए तो फिर आपने बाय यूज नहीं करना. अगर इधर पे दा ना होता तो बाय बस ठीक होता, लेकिन इधर दा आ गया तो फिर आपने बाय यूज नहीं करना. जब भी दा आ जाए, बाय द बस जो है वो फिर गलत हो जाता है. तो जब दा आ जाए तो आपने बाय यूज नहीं करना, इसलिए बाय भी गलत है. तो इसका राइट आंसर आपके पास है ऑन द बस. माय फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस. नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. ठीक है जी, जब भी ब्रिज होता है वो अक्रॉस द रिवर होता है. तो इधर आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट, द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट डैश पेन. अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास इन है. द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट इन पेन, इन इंक. ठीक है जी, जब आपसे कहा जाए कि आप इंक के साथ लिखें, ठीक है, तो फिर आपका जो राइट प्रीपोजिशन है वो आपको इन आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, हिज ऑफिस इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. अच्छा, देखें, जब भी आपके पास फ्लोर आ जाए, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है, तो जब भी फ्लोर की बात आ जाए तो फिर आपके पास ऑन आता है. तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो डी है. जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर है, ऑन द सेकेंड फ्लोर है, तो इधर आपके पास ऑन आएगा. डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. नेक्स्ट, आर यू अफ्रेड डैश एग्जाम्स. एट एग्जाम्स तो नहीं आता, ठीक है जी, ऑन एग्जाम्स भी नहीं आता. कन्फ्यूजन इन दोनों में से है. देखें, अफ्रेड के साथ हमेशा एक जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है. अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है जी, अफ्रेड ऑफ डार्क, ठीक है. तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑफ है. नेक्स्ट, ही ट्राइड टू ओपन द टिन डैश अ नाइफ. ये बहुत इजी है, इसका राइट आंसर आपके पास ए है. ही ट्राइड टू ओपन द टिन विद अ नाइफ. नाइफ के साथ उसने टिन को ओपन करने की कोशिश की है, ठीक है. माय फादर हैज बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर लास्ट 2 days. माय फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. इसमें राइट आंसर आपके पास फ्रॉम है, ठीक है जी. लेट्स गो शॉपिंग, इट्स ब्लैक फ्राइडे एंड द ड्रेसेस आर डैश. द ड्रेसेस आर ऑन सेल. जब भी कोई चीज सेल पे होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज ऑन सेल है. द बुक्स आर ऑन सेल, ठीक है, द ड्रेसेस आर ऑन सेल. इधर अगेन आपके पास जो राइट आंसर है वो बी है, यानी कि ऑन है. नेक्स्ट, लिसन, आई थिंक देयर इज समवन डैश द फ्रंट डोर. अच्छा, देखें, इधर आपके पास जो हिंट है वो समवन है. जब कोई आप कोई चीज़ स्टिकर आप दरवाजे पे लगाएं या आप पंफलेट लगाएं तो फिर आप कहते हैं जी ऑन द डोर. फॉर एग्जांपल, पंफलेट ऑन द डोर और स्टिकर ऑन द डोर. स्टिकर के लिए, पंफलेट के लिए वो फिर आप ऑन द डोर यूज़ करते हैं, ठीक है. लेकिन जब बंदा दरवाजे से बाहर खड़ा हो या कोई चीज़, कोई पार्सल दरवाजे के बाहर रख दी गई हो, तो उसके लिए एट का यूज़ होता है. उसके लिए क्या यूज़ होता है? एट यूज़ होता है. तो इधर आपके पास बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए इधर आपके पास एट राइट आंसर है, ऑन नहीं है. जब आप कोई पंपलेट या कोई स्टिकर या कोई एडवर्टीजमेंट डोर के ऊपर चिपका देते हैं तो फिर ऑन द डोर आता है. लेकिन इधर बंदा खड़ा है और वो डोर के पीछे खड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इधर आपके पास
एट आता है, दरवाजे पे एट आता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई पार्सल दरवाजे से बाहर हो तो फिर भी एट ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ दरवाजे पे ही चिपका दे, कोई नोटिस जब दरवाजे पे चिपका दे, तो फिर वो ऑन द डोर आएगा, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट आंसर एट है। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री विद मी, ये तो सीधा सीधा आंसर है इसका। एंग्री के साथ हमेशा आपके पास विद आता है, एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्रेवल डैश ट्रेन, देखें अब पिछली उसमें द आया था तो हमने ऑन यूज़ किया था कि ऑन दी बस, अब इधर कोई द नहीं आया तो इधर आपने फिर बाय यूज़ करना है, ठीक है जी। बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इधर द ट्रेन होता तो फिर आप बाय यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर आपको ऑन यूज़ करना पड़ता, ठीक है जी। जब द आ जाए तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना, तो इधर द नहीं है तो आपने बाय यूज़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर, प्लीज़ पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। वेस्ट बास्केट यानी कि डस्टबिन, जो कचरे के लिए बास्केट बनी होती है। अच्छा, देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर, जब भी सरफेस की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ऑन, जैसे दीवार पे कोई चीज़ हो हम कहते हैं ऑन दीवार, यही कहते हैं ना ऑन दीवार। इसी तरह फ्लोर भी एक सरफेस है तो हम कहते हैं जी ऑन द फ्लोर। तो ये जो पहला है वो तो क्लियर हो गया कि इधर आपके पास ऑन आएगा, ठीक है जी। अब दूसरा, प्लीज़ पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। अच्छा, वेस्ट बास्केट के अंदर आपने चीज़ फेंकनी होती है, तो ये जो दूसरा प्रीपोजिशन है उधर आपके पास इन आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, उसके ऊपर तो आप नहीं फेंकते, उसके अंदर फेंकते हैं तो इन आपके पास आ जाएगा। तो इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। अच्छा, अगर इधर आपके पास मंडे ना होता, लेट सपोज सिर्फ मॉर्निंग होता, तो फिर तो आप इन यूज़ करते हैं, जैसे इन मॉर्निंग हम यूज़ करते हैं, इन इवनिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, इवनिंग हो गया। अच्छा, नाइट के लिए हम एट यूज़ करते हैं, एट नाइट यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली मॉर्निंग इवनिंग वगैरह या आफ्टरनून के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं, इन आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन अभी ये मॉर्निंग वगैरह से पहले दिन भी मौजूद है, मंडे मौजूद है, जब भी दिन आ जाए तो फिर आपने ऑन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है जी, ऑन ट्यूज़डे आफ्टरनून, तो जब मंडे ट्यूज़डे वगैरह आ जाए, दिन भी साथ में आ जाए टाइम के साथ, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तो आपने फिर ऑन यूज़ करना है। तो इस केस में अगेन आपके पास ऑन राइट है, अगर मंडे ना होता तो फिर आपके पास इन राइट होता, सी यू इन मॉर्निंग होता, वो फिर ठीक होता, लेकिन अब मंडे आ गया तो आपने ऑन यूज़ करना है, तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश हिज बर्थडे, इन हिज बर्थडे तो नहीं आता, ऑफ हिज बर्थडे नहीं आता, ठीक है जी, एट हिज बर्थडे या ऑन हिज बर्थडे, आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑन है, ठीक है। बर्थडे भी एक दिन है, इस वजह से यहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ये तो सीधा सीधा प्रीपोजिशन है, आई थिंक ये सबको आता होगा, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जैसे हम बोलते हैं, तो इधर आपके पास ऑफ राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्राइस डैश हिज टाई, व्हाट्स द प्राइस ऑफ हिज टाई, ठीक है जी, हम बोलते हैं ना व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, तो प्राइस ऑफ जो है वो आपके पास राइट आंसर है, इसमें सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट, वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, वी आर मीटिंग एट नेक्स्ट थर्सडे, वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट थर्सडे, वी आर मीटिंग ऑफ नेक्स्ट थर्सडे, वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट थर्सडे, या कोई भी नहीं। अच्छा, जब आपको मीटिंग वगैरह आ जाए और ये आ जाए कि नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है, तो तब आपने कोई भी प्रीपोजिशन इधर यूज़ नहीं होगी, इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ई है, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। राइट क्या है, वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है जी, वी मेट लास्ट फ्राइडे, ठीक है, इसमें से कोई आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना बीच में, क्योंकि इधर आपके पास प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इधर आपके पास ई यानी कि नन ऑप्शन ठीक है, इधर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, दे हैव लिव्ड इन स्पेन डैश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो सिन है, ड्यूरिंग क्यों नहीं आता,
क्योंकि आपके पास पास्ट है तो ड्यूरिंग नहीं हो गया, ड्यूरिंग प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ठीक है जी। तो इधर आपके पास सिंस राइट है। सिंस क्यों राइट है कि आपके पास डेफिनेट टाइम है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए सिंस आपके पास डेफिनेट टाइम सिंस 1970, सिंस डिग्री मैंने क्यों लगा दिया, सिंस अप्रैल, सिंस लास्ट अप्रैल, ठीक है जी। अगर अगर आपके पास ऐसे हो के इनडेफिनेट टाइम हो, यानी कि फॉर, फिर आपके पास फॉर आएगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, तो इधर आपके पास सिंस जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द चिल्ड्रन गेट डे स्कूल इन द मॉर्निंग। अच्छा, गेट अबाउट स्कूल गलत है, गेट इन स्कूल, गेट एट स्कूल, राइट आंसर आपके पास है गेट टू स्कूल। हाउ डू द चिल्ड्रन गेट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू गेट टू रेस्टोरेंट, ठीक है जी, या हाउ डू यू गेट टू सर्टन प्लेस, जब सर्टन प्लेस की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाउ डू यू गेट टू देयर, ठीक है, तो इधर आपके पास राइट आंसर गेट टू है। नेक्स्ट, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी के फॉर है, ठीक है जी। उसके भाई ने बदतमीजी की है, गलत बिहेवियर शो किया है, रॉन्ग बिहेवियर शो किया है, या पुअर बिहेवियर शो किया है, और वो उसकी अपोलोजाइज कर रही है उसकी जगह, तो आप कहेंगे कि शी अपोलोजाइज फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर, ठीक है। द चिल्ड्रन वोर बूट्स, बूट्स कहते हैं शूज को, वोर मतलब पहन लेना, अगेन पास्ट की बात हो रही है। द चिल्ड्रन वोर बूट्स टू डैश टू प्ले डैश द स्नो, अच्छा इसका जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक है, टू तो वैसे भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता, एट द स्नो भी नहीं होता, ठीक है, तो आपके पास जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक हो क्या। नेक्स्ट, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट डैश द यूनिवर्सिटी रोड, अच्छा इधर आपके पास एट नहीं आता, उसकी क्या वजह है कि जब आप किसी महसूस जगह की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एट द कॉर्नर, तो उसमें आपके पास एट आ जाता है, एट द कॉर्नर, या आप अगर स्ट्रीट की बात करें तो फिर आप एट यूज़ करते हैं, एट स्ट्रीट 56, ठीक है जी, या एट चर्चिल स्ट्रीट, फिर आप एट यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप रोड की बात करते हैं तो रोड पे आप ऑन यूज़ करते हैं, इसलिए इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है, ऑन द यूनिवर्सिटी रोड, ऑन द तकाल रोड, ऑन द कश्मीर हाईवे रोड, ठीक है जी, ऑन द कश्मीर हाईवे, वो भी एक रोड है तो हम कहते हैं ऑन द कश्मीर हाईवे, ठीक है जी, तो इसलिए आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, यू विल फाइंड द पोएम डैश पेज 16, इसका राइट आंसर आपके पास ऑन पेज 16 है, ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर है। याद रहे कि आप पहले पेज बोलते हैं फिर 16 बोलते हैं, ऑन 16 पेज कहना गलत है, ऑन पेज 16 ज़्यादा सही है, इधर प्रीपोजिशन आपके पास ऑन आता है। नेक्स्ट, ही ग्रोस डैश हिज फार्म, ठीक है जी, ही ग्रोस, ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, आई थिंक इधर वीट कुछ होना चाहिए, वीट ग्रोस डैश हिज फार्म, इसको हम वीट कर लेते हैं, ठीक है जी, कोई गंदम कर लेते हैं, वीट ग्रोस डैश हिज फार्म, डैश हिज फार्म, अच्छा फार्म है, फार्म अगेन एक आपके पास सरफेस है, सरफेस पे आपके पास ऑन ही आता है, तो इसलिए इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, वीट ग्रोज ऑन हिज फार्म। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, अब जाहिर है कैलकुलेटर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, ठीक है जी, इसमें इन या एट नहीं आ सकता, इसमें आपके पास ऑन आएगा। नेक्स्ट, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, तो इधर आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, वो चोरी के जो जुर्म है उसमें मुलविस था, ठीक है, तो ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, इधर आपके पास ऑफ ठीक है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर प्रोग्रेस डैश योर स्टडी, ठीक है जी, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, इधर आपके पास राइट आंसर विद है, नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ज़्यादातर सेटिस्फाइड विद आता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ठीक है जी, तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा ज़्यादातर विद आता है, तो इसलिए आपके पास इधर बी ऑप्शन ठीक है। ही जम्प्ड डैश द वेल, वेल कहते हैं कुआ को, अच्छा अब कुएं के अंदर आप छलांग लगाते हैं, तो इधर इसलिए आपके पास राइट आंसर इनटू है, ही जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है जी, इधर आपने इनटू यूज़ करना है, ही जम्प्ड इनटू द वेल।
नेक्स्ट ही क्वारल्ड डैश माई ब्रदर, जब भी क्वारल्ड आ जाए, झगड़ा करना आ जाए, वो विद ही आता है, तो ही क्वारल्ड विद माई ब्रदर, ठीक है जी, ही क्वारल्ड विद माई ब्रदर, ठीक है। जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, ही क्वारल्ड विद माई फ्रेंड, या यू क्वारल्ड विद योर फ्रेंड, तो उसके साथ आपके पास विद आता है। नेक्स्ट द थीव्स डैश हिज, अच्छा इधर मैं ब्रॉक भूल चुका हूँ, इधर ब्रॉक भी होगा, द थीव्स ब्रॉक डैश हिज हाउस, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है द थीव्स ब्रॉक इन टू हिज हाउस, ठीक है। तो ये हम काफ़ी सेंटेंस ये पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉवल्स में हम देख चुके हैं कि द थीव्स ब्रॉक इन टू हिज हाउस या द थीव्स ब्रॉक इन टू देयर हाउस। इधर आपके पास इन टू जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट ही सीनियर डैश मी, इधर आपके पास सीनियर टू मी आता है। जब भी आप सीनियर जूनियर की बात करें, जैसे ही जूनियर टू मी, ठीक है, ही सीनियर टू मी, ठीक है जी, तो उसमें आपके पास टू आता है। इवन आप जब सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करते हैं, उसमें भी टू आता है, ही सुपीरियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी। तो इधर आपके पास राइट आंसर सी यानी कि टू है। नेक्स्ट, अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन डैश वर्ड्स, अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके मायने बताता है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर, ठीक है जी, ही डाइड ऑफ कैंसर। जब भी आप किसी बीमारी के बारे में करते हैं, उसके साथ और ऑफ लगाते हैं कि वो किस वजह से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, तो उसमें आपके पास ऑफ आता है। माई फादर इज अक्वेंटेड विद हिम, ठीक है जी, यह इधर आपके पास विद आएगा, उसके साथ मेरी अबू की जान पहचान है, तो अक्वेंटेड के साथ आपके साथ आपके पास हमेशा विद ही आता है, अक्वेंटेड विद विद हिम या अक्वेंटेड विद हर, तो इसलिए आपके पास अक्वेंटेड के साथ विद आता है। नेक्स्ट, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है जी, इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, इधर आपके पास ऑन राइट आंसर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1932 तो नहीं आ सकता, ठीक है, ऑफ 1930 भी नहीं आ सकता, अच्छा ऑन 1930 भी नहीं आएगा, इन 1930 आएगा, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इन है। जैसे हम कहते हैं ना कि कायद आजम वॉज बॉर्न इन डैश, ठीक है, तो कायद आजम वॉज बॉर्न जब ईयर की बात आए तो हम इन लिखते हैं, ठीक है जी। ही कंप्लेंट, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो किसी की अगेंस्ट होती है, तो इधर आपके पास राइट आंसर अगेंस्ट है, He complained against his classmate, ठीक है, या class fellow. Next है distribute these apples dash the children, ठीक है जी, children ज़्यादा को कहते हैं, ठीक है जी। तो जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें distribute करनी हो और ज़्यादा लोगों में distribute कर, जब दो के लिए अगर आप distribute करेंगे फिर आप between लिख देंगे, ठीक है जी, यानी कि अगर आप दो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो फिर आप लिख देंगे बिटवीन द टू, इधर बिटवीन द टू नहीं है, एक इधर चिल्ड्रन है, यानी कि दो से ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास इधर अमोंग राइट आंसर होगा, ऑफ तो नहीं आ सकता ना अगेंस्ट आ सकता है, तो अमोंग और बिटवीन में कन्फ्यूजन है, बिटवीन दो के लिए यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ दो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो जो दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप फिर बिटवीन यूज़ करेंगे। इधर सेंटेंस से जाहिर हो रहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो इधर आप अमोंग यूज़ करेंगे, तो इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है जी, तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। ही इज़ जेलस ऑफ मी आता है, ही इज़ जेलस फ्रॉम मी नहीं आता, ही इज़ जेलस ऑफ मी आता है, ठीक है, इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है, बाय और एट तो ऐसे भी नहीं आ सकता और फॉर्म भी गलत है, तो ही जेलिस ऑफ। साइंस इज अपोज्ड डैश सुपरस्टिशन, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास टू है। नेक्स्ट, द मनी लेंडर वाज नॉट रेडी टू पार्ट डैश हिज मनी, इसमें राइट है टू पार्ट विद हिज मनी, पार्ट विद का मतलब हिस्सों में तकसीम करना, तो इधर राइट आंसर है पार्ट विद। नेक्स्ट, शी वाज मेड डैश जॉय, देखिए मेड विद जॉय आता है, एंड जम्प्ड डैश द सी, जम्प्ड इन टू द सी बाई मिस्टेक। अगला देखते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश बिहेवियर, देखिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर आता है, ये तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट को देखते हैं, वट इज़ द ओरिजन डैश क्वारल डैश टू ब्रदर्स, अच्छा क्वारल हमेशा बिटवीन होता है, बिटवीन टू पीपल या बिटवीन टू ब्रदर्स, तो क्वारल बिटवीन होता है।
ओरिजन ऑफ आता है तो इधर आपके पास व्हाट इज द ओरिजन ऑफ क्वारल बिटवीन टू ब्रदर्स। नेक्स्ट आई एम अश्योर डैश माई सक्सेस, देखिए आई एम अश्योर टू माई सक्सेस तो नहीं होता, आई एम अश्योर ऑफ माई सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, सही। नेक्स्ट ही शॉर्ट डैश मनी दीज डेज, ही शॉर्ट ऑफ मनी, हम कहते हैं ना शॉर्ट ऑफ कैश दीज डेज या शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, जो इसके पास पैसे ना हो, पैसे कम हो तो हम कहते हैं ही शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। नेक्स्ट शी अटेंड डैश हाई पोजिशन बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क, शी अटेंड टू हाई पोजिशन बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क, इधर आपके पास जो राइट प्रीपोजिशन है वो टू है। नेक्स्ट मैन कैन नेवर बी सेटिएटेड, सेटिएटेड मीन्स सेटिस्फाइड विद प्लेजर, इधर आपके पास राइट आंसर विद आएगा, सही। ही फेल डैश हिज हॉर्स, देखिए इधर आपके पास ऑफ आएगा, डबल एफ आएगा, फेल ऑफ मतलब गिर जाना, तो इधर जो राइट प्रीपोजिशन है वो फेल ऑफ है, सिंगल एफ वाला नहीं है, डबल एफ वाला है। नेक्स्ट निता वॉज लीनिंग डैश अ ट्री डैश अ बुक इन आर हैंड, अच्छा लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, इधर आपके पास अगेंस्ट आ जाएगा, विद अ बुक इन हिज हैंड। नेक्स्ट देखते हैं आई लुक डैश हर चिल्ड्रन, अच्छा देखभाल को हम, हमें पता है कि इंग्लिश में देखभाल को कहते हैं लुक आफ्टर, तो इधर आएगा आई लुकड आफ्टर हर चिल्ड्रन व्हेन शी वॉज डैश द हॉस्पिटल, व्हेन शी वॉज इन द हॉस्पिटल, ये तो ईजी है ये वाला। नेक्स्ट है ही मेरिड फॉर मनी, देखे पैसों के लिए शादी की है तो ही मेरिड फॉर मनी। नेक्स्ट शी इज नॉट स्ट्रेंज डैश मी, तो शी इज नॉट स्ट्रेंज टू मी, द हाउस हैज बीन अलॉटेड, अगेन इधर आपके पास आएगा जी टू, दिस हाउस हैज बीन अलॉटेड टू हिम। नेक्स्ट माई पेन इज सुपीरियर टू यूअर्स, हुम वाज शी टॉकिंग टू, अच्छा दिस इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू, इधर आपके पास ऑफ आएगा, सिंगल एफ वाला। विजडम कॉन्सेस डैश डूइंग द राइटिंग एट द राइट टाइम, अच्छा इधर लोग मिस्टेक कर लेते हैं, इधर ऑफ लिख लेते हैं, इधर है इन, विजडम कॉन्सेस इन डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। नेक्स्ट आई एम नो ओब्लिवियस, ओब्लिवियस कहते हैं अनअवेयर, तो आई एम नो ओब्लिवियस ऑफ द डेंजर्स अहेड, अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स अहेड, तो इधर आपके पास ऑफ आएगा। नेक्स्ट ही इज क्लेवर डैश मैथमेटिक्स, ही इज क्लेवर एट मैथमेटिक्स, The swans are flying dash the sky. The swans are flying in the sky. This box is made of wood. ये तो आसान है. The horse is lame dash one leg. अच्छा इधर off भी आ सकता है, on भी आ सकता है, on one leg. लेकिन ज़्यादा जो preferable है वो off है. The horse is lame off one leg. Next, her views do not accord with mine. She had to pass through many troubles. ठीक है जी। He was accused dash cheating. इधर आपके पास right answer of है। He was accused of cheating. ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए, please मेरे चैनल Technically Explained को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.